नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीरियसली ट्रू के साथ। सीरियसली ट्रू पावर्ड बाय सीरियसली स्ट्रेंज। क्या आप जानते हैं इन संकेतों को जो बताते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्सपर्ट बन रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही रोचक बातों के बारे में। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, जब आपने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा था, तब आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर बने। आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपने पहली बार अपने मन की शक्ति को जाना होगा कि आपका भाग्य आपके अपने हाथों में है। आपके अंदर भी वो काबिलियत है कि आप उसे हकीकत में बदल सकें जो आप सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर कैसे बने, आइए जानते हैं। अगर आप अपने मन की असीम शक्तियों पर विश्वास करते हैं, तो आप एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर बन चुके हैं, क्योंकि आपने मन की शक्तियों पर विश्वास रखकर खुद की रियलिटी की रचना की है। हम सब में विचारों पर फोकस करने, विश्वास करने, पूर्वानुमान करने की क्षमता है। फोकस होने की आपकी क्षमता ही तो वास्तविकता को आपके और नजदीक कर देती है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जन्मजात एक्सपर्ट हैं। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं कि वो क्या प्राप्त करते हैं, ये एक्सपर्ट होना तय करता है, जबकि हकीकत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्सपर्ट होना रिजल्ट पर कम और रिजल्ट के लिए क्या तरीका अपनाया उस पर ज्यादा निर्भर करता है। ज्यादातर हम दूसरों के पास चीजों को देखकर खुद के पास उन चीजों के होने की कल्पना करते हैं, जबकि हमारी खुद की इच्छाएं इन सबसे भी ज्यादा उलझी हुई और मुश्किल है। चेतन रूप से इच्छाओं के घटने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा होता है सिर्फ हमारे भौतिक सुविधा में वृद्धि करने के लिए। चेतन रूप से जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाने का रिजल्ट सामान्य उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। ये आपके जीवन में विकास के हर पहलू पर गौर करना है, फिर चाहे वो किसी बात को समझना हो या फिर उनके अनुसार व्यवहार करना। अगर आप भी अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर बनना चाहते हैं, तो इन बातों को जरूर समझें। पहला है कि आपकी उम्मीदें ऊंची हैं। अगर आप चेतन रूप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो आपके विचार उनमें विश्वास के नजरिए में बदलाव आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप ऊंची सोच रखते हैं और आपकी उम्मीदें सामान्य विश्वास से परे होती हैं। आजकल की युवा पीढ़ी गुजरते वक्त के साथ अपनी सोच और उम्मीद के दायरे में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। जब आपका विश्वास और व्यवहार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति मजबूत हो जाता है, तब आप सकारात्मक बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। सबसे पहले तो नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका विश्वास आपकी सोच के नाकाम या कामयाब होने पर सवाल नहीं उठाता। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने लगते हैं। अगर आप फालतू के गॉसिप को अवॉइड करने लगते हैं, तो खुद ब खुद आप ज्यादा लोगों से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि पहले आप सिर्फ उस टाइप के लोगों से जुड़े थे जो गॉसिप करना पसंद करते थे। अगर बात की जाए ह्यूमन साइकोलॉजी की, तो इंसान अपना ज्यादा समय उन लोगों के साथ गुजारता है जो उसके अनुसार या उसकी पसंद का व्यवहार करें। अगर आप भी सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर कैसे बने, तो फालतू गॉसिप से बचना शुरू कर दें। इसके अलावा दोस्तों, दो बातें हैं। पहली ये कि आप क्या चाहते हैं उस पर फोकस करना, और दूसरा आप क्या प्राप्त कर रहे हैं उसे लेकर परेशान रहना। एक्सपर्ट लोग ऐसे में परेशान होने की बजाय किसी दूसरी जगह फोकस होना पसंद करते हैं। अगर आप ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि अपने लक्ष्य से हटने से आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि एक मास्टर ऐसे हालात में लक्ष्य से हटने को सिर्फ एक सपना समझता है, ना कि बलपूर्वक उस लक्ष्य से दूर हो जाना। दिन भर हमारे अंदर सैकड़ों इच्छाएं जन्म लेती हैं। ऐसे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर कैसे बने, इसके लिए आपका सबसे पहला मकसद किसी एक इच्छा पर फोकस करना है। ये आपको आपके लक्ष्य के पूर्ण होने में मदद करता है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर हैं। सोच समझकर अपनी इच्छा को निर्धारित करना उसे पूरा करने में मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, याद रखें कि आपका दूसरी चीजों को देखने का नजरिया ही आपके लक्ष्य की प्राप्ति को निर्धारित करता है। जब हम किसी चीज को लिमिट में जोड़ते हैं, तो वो सिर्फ हमारे मस्तिष्क की सोच होती है। अगर हम विश्वास करें कि सब कुछ संभव है और फिर हम किसी लिमिटेशन का सामना करते हैं, तो इसका मतलब वो सिर्फ हमारे मस्तिष्क की लिमिट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मास्टर कैसे बने, इसके लिए सबसे पहले खुद पर आत्मविश्वास मजबूत करना है। सब कुछ संभव है जैसी मानसिक सोच बनानी पड़ती है। आपको अपनी गलतियों में भी फायदे दिखते हैं। दोस्तों, ये बात आपको सरप्राइज कर सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जब हम आकर्षण के सिद्धांत में मास्टर बन जाते हैं, तब हमें अपने नकारात्मक कदम और समस्याओं में भी फायदे नजर आने लगते हैं। ये सब निर्भर करता है हमारी सोच के नजरिए पर। हम परिणाम के दो पहलू होते हैं। अगर आप अच्छे पहलू की तरफ देखें, तो दूसरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। जीवन में कई बार बड़े फैसले लेने पड़ते हैं,
ऐसे में दोनों पहलुओं पर विचार कर सही फैसला लेना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आत्मविश्वास में कमी वाले हमेशा किसी भी काम को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से पूरा करते हैं, ना कि खुद के लिए। अगर आप भी किसी काम को करते हुए ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो समझ जाइए कि आप उस काम को खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आप खुद के फायदे के लिए नहीं लोग क्या चाहते हैं उसी इच्छा से काम को पूरा करेंगे। दोस्तों, कभी भी किसी काम को करते वक्त सबसे पहले उसमें विश्वास करना जरूरी है कि वो कार्य कर सकते हैं आप। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा नियम है कि बाहरी संसार से अलगाव, यानी सिर्फ अपने नजरिए के लोगों के साथ ना रहकर विस्तृत नजरिए के लोगों के साथ वक्त बिताना। ये दो नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि अपने काम को पूर्ण करने का विश्वास उसे आधा पूरा कर देता है। बाद में बचता है सिर्फ तरीका। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।